All right. Now, what I am interested in is, and there is another type which is a kind of an advanced type. It's called. ये हमने लास्ट क्लास में भी की थी, लेकिन आज मैं थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा. इट्स कॉल्ड वर्ड पॉइंट. ओके, और इसका एक और वेरिएंट भी होता है, कॉन्स्ट वर्ड पॉइंट. और ऑफ कोर्स एक और भी होगा, क्या होगा? ठीक है, वर्ड पॉइंटर कॉन्स्ट. ठीक है, और एक क्या होगा? कॉन्स्ट वॉइड पॉइंटर कॉन्स्ट. बट प्लीज याद रखिएगा, ये कॉन्स्ट यहां पे भी लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक है, ये चारों. द थिंग इज के द ओनली थिंग इज के दिस कैन होल्ड एनी एड्रेस. बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आप वॉइड पॉइंटर लेते हैं तो यहां पर जो एड्रेस होना चाहिए वो राइटेबल मेमोरी का होना चाहिए. लेकिन अगर आप कॉन्स्ट वर्ड पॉइंटर लेते हैं तो यहां पर जो एड्रेस होगा वो राइट भी हो सकता है और रीड भी हो सकता है. ये बात समझ में आई? ठीक है, सो फार सो गुड. और अगर आप वर्ड के बाद पॉइंटर कॉन्स्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है ना, ये जो पॉइंटर इटसेल्फ होगा वो क्या होगा? इम्यूटेबल होगा. ठीक है, ऑलराइट. But the good thing is void pointer can have any address. ठीक है, all right. अगर वो writable memory की तरफ point कर रहा है तो of course वो writable का address hold कर सकता है. लेकिन अगर वो read only memory की तरफ point कर रहा है तो वो read only का address हो सकता है. ठीक है, लेकिन इसकी application क्या हो सकती है? What could be the application of this? ठीक है, तो मैं ना आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत function बनाने लगा हूँ और बस आप देखते जाए कि मैं कर क्या रहा हूं. ठीक है, तो इसको मैं मेन वन कर देता हूं और इस फंक्शन का मैं एक नाम लिख रहा हूं. और प्लीज यू हैव टू टेल मी कि ये फंक्शन क्या कर रहा है. ठीक है, सो इंट मेन रिटर्न जीरो और आप देखते जाए. ऑलराइट, मैं कहता हूं नाम है void dawn function. ठीक है, और dawn क्यों कहा है मैंने आपको थोड़ी देर में पता लगेगा. ठीक है, इसको ना एक एड्रेस पास होता है, इसको मैं s कह रहा हूं, और एक और एड्रेस पास होता है, इसको मैं d कह रहा हूं. अरे बल्कि इसको s और d नहीं कहते, चलो s और d कह देते. और यहां पे इंटीजर साइज पास. ओके, एंड प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस. मैं आपके सामने लिखूंगा कोड, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, और आपका काम है जज करना कि ये फंक्शन क्या कर रहा है. और एक और मैं फंक्शन लिख रहा हूं, void print const कैरेक्टर पॉइंटर मैसेज. आई हेट दिस. इंट ए इंट साइज फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस. सी आउट ए आई सी आउट मैसेज. सी आउट एंड एल. And look at this function. Char pointer si is equal to s
स्टेरिक डी आर इज इक्वल टू डी, और ऑफ कोर्स ये एरर देगा, इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि आपने इसको कास्ट नहीं किया। एंड लुक एट दिस, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, एंड लुक एट दिस, मैं कहता हूं कैर टी इज इक्वल टू, बल्कि एक हिंट दे देते हैं, बाइट इज इक्वल टू स्टेरिक एसआई, स्टेरिक एसआई इज इक्वल टू स्टेरिक टी आई, एसआई स्टेरिक डी आई इज इक्वल टू बाइट, एस आई प्लस प्लस डी आई प्लस प्लस। प्लीज रीड दिस फॉर वन मिनट। एंड नाउ लुक एट दिस, int a, int ia, integer ia is equal to 10, integer b is equal to 20, c out before dawn function, a equal to ia, b equal to IB, ठीक है। आफ्टर डॉन फंक्शन हम करते हैं जी डॉन फंक्शन IA, IB, और साइज की जगह हम बात करते हैं साइज ऑफ इंट, और यहां पर ऑफ कोर्स हमें क्या चाहिए, हमें एड्रेस चाहिए, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई डू इज, बिल्कुल इसी तरह I am going to say double DA is equal to 10.5, DB is equal to 20.5, control C, control V, इसकी जगह भेज देते हैं, या इसका नाम IA रख देते हैं और इसका नाम IB ही कर देते हैं, IA, IB, इसका नाम क्या होना चाहिए, डी ए, डी ए, डी बी, डी बी, और यहां बेटा क्या पास कर देंगे, डी ए डी बी, और यहां पे साइज ऑफ क्या होना चाहिए, डबल, डबल का मतलब बेटा है साइज ऑफ क्या होता है, 8 बाइट होता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहां पर जो प्रिंट करेंगे वो हम डी करेंगे, डी करेंगे, डी करेंगे और डी करेंगे, ठीक है। और यहां जाके बैकस्लैशन कर देते, ठीक है। ऑल राइट, एंड नाउ लुक एट दिस, यहां पे हम एक इंटीजर अरे बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं लेट्स से 1, 3, 5, 7, 9, और एक बी अरे बनाते, और यहां पे होता है 2, 4, 6, 8 और 10, दोनों अरे का साइन साइज सेम है, ओके। एंड व्हाट आई डू इज कंट्रोल वी, बिफोर डॉन फंक्शन यहां पे हम लिखते हैं ए,
ठीक है। अब मसला सिर्फ ये है कि ये हमें ना, अब हमें अरे को प्रिंट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है, सही है ना? तो हम क्या करते हैं बेटा, बताएं बेटा, तुम्हें बताएं, प्रिंट फंक्शन बनाया हुआ है हमने, इसमें हम क्या भेजेंगे? हाँ जी, बिफोर डॉन फंक्शन, ठीक है, ए, ठीक है, और यहां बेटा क्या भेज देंगे, ए क्या भेजेंगे आगे, सॉरी साइज ऑफ क्या होना चाहिए बेटा, ए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ हाउ मच int, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड, यहां पर फंक्शन में उसको एक्चुअल साइज चाहिए होता है, लेकिन जो यहां होता है, यहां पर देखें हम क्या करते हैं जी, आप बताएं यहां पे हम क्या भेजेंगे, हेयर इट इज ए लिटल बिट डिफरेंट, क्योंकि यहां पर एक्चुअल मेमोरी का साइज होता है, तो यहां पे हम भेजेंगे ए, यहां भेजेंगे बी, यहां भेजेंगे साइज ऑफ ओनली ए या बी हो सकता है, लेकिन यहां पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो डू समथिंग है, डू फंक्शन, जो डन फंक्शन है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे जिस मेमोरी के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है उस पूरी मेमोरी का साइज चाहिए। ये बात समझ आगे, आगे देखें, अब एक और बड़ा मजे का काम करते हैं, स्ट्रक्ट ए, लेट्स से हम कहते हैं डी डेट, डेट कर देते हैं, डेट में क्या होता है, इंटीजर डे होता है, और क्या होता है, मंथ होता है, और क्या होता है, ईयर होता है, ठीक है। लुक एट दिस, तो यहां पर हम एक void print date बना लेते हैं, इसको क्या पास हो, एक डेट टाइप का डी पास हो, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप यहां पे क्या लिखें बेटा, const लिखें और यहां पे m percent, ठीक है। अभी नहीं प्लीज, अभी नहीं प्लीज, गिव मी 5 मिनट्स प्लीज, और यहां पे कर देंगे सी आउट, ये हमारी क्लास ही है ना, डी डॉट, यार प्लीज जवाब बंद करते हैं प्लीज, डी डॉट डे जी, डी डॉट मंथ, बैठ जाओ, डी डॉट ईयर, ठीक है। ये 10 मिनट पहले क्यों एंटर हो रहे हैं, 10 मिनट रहते हैं ना अभी, अजीब बंदे यार। और यहां देखिए हम काम करते हैं यार, इन्हें जाकर कहो खामोश हो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूं, यार प्लीज खामोश खामोश, नाउ लुक एट दिस, मैं यहां लिखता हूं बेटा डेट, यहां पर लिखता हूं डी वन, और यहां मैं इनिशियलाइज करवाता हूं, लेट्स से 1, लेट्स से 12, और यहां पे 2000, ठीक है, और यहां पर कहता हूं मैं डी टू, और डी टू को जो मैं वैल्यू इनिशियलाइज करता हूं, कहता हूं 2 फरवरी, और यहां कहता हूं मैं लेट्स से 2020, ओके, ये बात समझ आ गई, ये ऐसे कर लेते हैं, इसे करते हैं 9 मई, कौन सा महीना होता है, 5, और ये कर देते हैं 2022 था 23 था, अच्छा, और यहां क्या करते हैं 8 फरवरी 2024, ये चीज, ठीक है, इन दोनों डेट को हम स्वैप कर लेते हैं, तो यहां पे करेंगे जी सी आउट बिफोर डॉन फंक्शन, ठीक है, और यहां हम करते हैं क्या बेटा, प्रिंट डेट, और यहां पे हम डी वन भेज देते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा प्रिंट डेट, और यहां करते हैं बेटा क्या डी टू, ठीक है, और सी आउट कर देते हैं क्या एंड एल, ठीक है, और बेशक इसके साथ हम बैक स्लैश एन, ठीक है, ये क्या हुआ भाई इसको, तो दिमाग खराब हो गया कोई मसला नहीं है, मैं चौकले मार,
ऑल राइट जी, तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं प्रिंट डॉन फंक्शन, यार इनको भी आराम नहीं है वैसे, डी वन डी टू, और यहाँ क्या लिखेंगे साइज ऑफ क्या बेटा डेट, और यहाँ बेसिकली क्या पास हो रहा है इसको बता सकते हैं आप, यहाँ बेसिकली क्या पास हो रहा है, 12 पास हो रहा है, क्योंकि डेट का स्ट्रक्ट है वो बेसिकली कितना ले रहा है 12 बाइट का, ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, दोबारा से ये कॉल कर देते हैं और इसकी जगह क्या कर देते हैं आफ्टर कर देते, ठीक है। और यहां पे हम ये कर लेते, ठीक है। आई डोंट नो ये अंडरलाइन क्यों हो गया, अब यहां पे इसका एड्रेस आना चाहिए और यहां पे भी इसका एड्रेस आना चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है। सॉरी क्या हुआ, ओ आई थिंक इसमें तो नहीं हो रहा मसला, ये अभी हुआ, ठीक हो गया। कंट्रोल शिफ्ट बी एंड लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। ये क्या हुआ मतलब, अरे वाला किधर है, ओह ये कॉल नहीं किया मैंने, ठीक है। यहां पे क्या लिख दे बेटा, ये ए और बिफोर की जगह हम क्या कर देंगे आफ्टर, ठीक है। या प्लीज समझ जाए तो ये देखते हैं, इन दोनों के दरमियान में ना हमने वो नहीं किया, एक मिनट, ये किधर, अरे किधर है, ये है ना बैकस्लैश एन, ठीक है। सो लुक एट दिस जी, ये क्या हुआ है, सो मैंने जो अपने डॉन फंक्शन के अंदर ये देखा क्या भेजा है, मैंने ये दो इंटीजर्स भेजे हैं और बाहर आने के बाद क्या हुआ है, दो डबल भेजे हैं और ये देखें क्या हुआ है, स्वैप हुआ है, दो अरेज भेजे हैं, ये क्या, सॉरी यहां पे क्या हुआ है, ओके थैंक यू। सो ये बिफोर वाली बिफोर डॉन, अच्छा मैंने सिर्फ एक अरे अमेंड किया, मुझे दोनों अरेज प्रिंट करनी चाहिए, ऐसे ही है ना। तो यहां पर यहां प्रिंट कॉल कर रहा हूं मैं, तो यहां पर ऐसे कर लेते हैं ये, और इसमें हम सेकंड मैसेज कुछ भी नहीं भेजते और यहां पर सिर्फ और सिर्फ बी लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पर हम बी भेज देते हैं और यहां पर हम बी साइज कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर भी हम यही कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम चला देते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये अरे पहले थी और ये बी अरे थी और उसके बाद जो है वो ये स्वैप हो गई, ये स्ट्रक्ट क्यों सही नहीं प्रिंट कर रहा, मैंने स्पेस नहीं डाली। तो यहां पे ठीक है, और इसमें भी मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ एक ही नहीं दोनों ही प्रिंट किया हुआ है, आफ्टर डॉन फंक्शन, ओके। सो कंट्रोल F5, ये देखिए जी, दो जो अरेज हैं, पहले थी 9 5 20 23 और ये थी 9 2, एक्चुअली हाँ जो भी है 8 थी वैसे, तो 9 2 2 20 24 और ये स्वैप हो गई, हाँ सही वाले इलेक्शन बताऊ गुड वन, वो तो रात के बाद हो गए कल में, है ना, ठीक है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टूड के व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ वर्ड पॉइंटर, ओके। सो वर्ड पॉइंटर इज के आप बेसिकली अगर आपने विदाउट लुकिंग एट द टाइप, इफ यू जस्ट वॉन्ट टू प्रोसेस द डेटा बाइट बाय बाइट, ठीक है, तो द बेस्ट वे टू डू दैट इज पास इट एज ए ओनली डेटा, ओके, एंड देन आई ट्रेड थ्रू इट यूजिंग बाइट बाय बाइट,
Does it make sense? ठीक है जी. So far so good. I hope everybody understands this. ठीक है. ठीक है. ये प्लीज जाके ना कर लीजिएगा. इसकी सारी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की हुई है. ये सारे काम जो हमने आज किए हैं, ये सारे काम आप जाके आज ही कर लीजिएगा. ठीक है. स्पेशली ये जो जेनेरिक स्वैप, जेनेरिक इसका नाम एक्चुअली जेनेरिक स्वैप होता है. तो जेनेरिक स्वैप जो हमने बनाया ये जाके आप कर लीजिएगा. ठीक है. कोई सवाल जी? सॉरी दोबारा बोले. बिल्कुल करवा सकते, बिल्कुल करवा सकते. लेकिन फिर आपको वहां पर जहां जहां पर नीचे आपने फंक्शन में भेजा है, आपको हर जगह कैरेक्टर पॉइंटर में कास्ट करना पड़ेगा. दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है. तो यहां पर आप वर्ड पॉइंटर कर दे, फिर आपको कास्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्ड पॉइंटर कैन हैव एनी असाइनमेंट. ठीक है. ठीक हो गया. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ठीक है. थैंक यू सो मच. जी जी सवाल यार जोर से बोलना. आप बताएं पहले वो जीरो इस मेमोरी के भी जीरो ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ये इसके जीरो ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है. तो आगे क्या होना चाहिए? इन दोनों की वैल्यू स्वैप हो गई है ना. अब हमें इसको एक इंक्रीमेंट करना चाहिए, इसको भी एक इंक्रीमेंट करना चाहिए, ताकि इसका सेकंड ब्लॉक से स्वैप हो. ये बात समझ? तो इसलिए हमने इसको इंक्रीमेंट किया. आप अगर चाहते तो यहां पर एस आई प्लस आई भी कह सकते थे. यानी यहां पर मैं एस आई प्लस आई कहता, फिर हमें इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती. यानी आप अरे इंडेक्सिंग भी कर सकते. That would have been fine. मतलब ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसी को कहने का एक और तरीका भी हो सकता है कि ये देखें, ये मैंने इसे कमेंट कर दिया. भले कमेंट क्या किया, ये यहां पर मैं क्या कह देता हूं, मैं कहता हूं एस आई प्लस आई, और यहां मैं करता हूं क्या बेटा, एस आई प्लस आई, और यहां बेटा मैं क्या करूंगा, डी आई प्लस आई, और यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर भी हो जाएगा डी आई प्लस आई. ठीक है. फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज द सेम. ठीक है. तो मैं तीनों चीजों को अलग अलग डील किया, बट इट इज द सेम. ठीक है बात. ठीक है. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वर्ड पॉइंटर? वर्ड पॉइंटर इज ए वेरी पावरफुल फंक्शन बिकॉज इट कैन पॉइंट टू एनी मेमोरी यू लाइक. ओके. और अगर आप एक बाइट बाय बाइट ट्रैवर्स डेटा को प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, द बेस्ट वे टू डू दैट इज पास इट एज अ वर्ड पॉइंटर. ओके. तो एक तरह से जेनेरिक चीज बन जाती है. ठीक है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.